अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सैनी ने मीडिया से भी बातचीत की है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस आपस में हुड्डा एसआर के गुट में बटी हुई है। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उनकी सोच है कि वो जिस प्रकार की उनकी सोच है उनको ही समर्पित है उनकी सोच, क्योंकि देश आज 140 करोड़ लोग भगवान श्री राम का मंदिर की जो स्थापना वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके अंदर बड़ी आस्था है। हमारी वो धरोहर है, संस्कृति है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयारी है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा द्वेष है, कांग्रेस के अंदर दो धाराएं हैं और कांग्रेस की वो दोनों धाराएं एक मंच पर नहीं बैठ सकती। उसके अंदर हुड्डा ग्रुप अलग है, उसके अंदर सुरजेवाला ग्रुप अलग है, दोनों के दो ग्रुप हैं और दोनों की दो की लड़ाई है। जो लोग पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए उनका संगठन भी नहीं है। हमारा पन्ना प्रमुख तक संगठन बैठा है, हमारा बूथ पे भी संगठन है और लोगों के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है, अपनी आँखों के सामने ही देखा है, कांग्रेस की सरकार बनती है भ्रष्टाचार गति से बढ़ता है, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार आती है विकास की गति तेज गति से बढ़ती है।